हमारे वो छोटे छोटे भैया जो कि इस बार बोर्ड की कक्षा में कदम रखती है, टेंथ क्लास के भैया जिन्हें इस साल 2024 में बोर्ड का एग्जाम देना है और उसके निमित्त जैसा सभी को पता है कि मैं 4 जुलाई 2022 को आया था इस विद्यालय में। हमने कोई भी परंपरा नहीं डाली, जो सत्र चल रहा था उस सत्र को ऐसे ही कंटिन्यू कर दिया, परंतु इस बार नए सत्र से नई योजना के साथ, नई टीम के साथ, नई सोच के साथ हम आपके विकास करने में एक योजनाबद्ध ढंग से आपके सक्षम, आपके समय, आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हमने बैठ करके विचार किया आचार्यों के साथ, उसमें माधव जी, पवन जी, संजय जी, जनार्दन जी और भी दीपक जी, बहिर जी, सभी लोग और अपने उवीस आचार्य जी, ये सब लोग मौजूद थे। आखिर हम लोग क्या करें, किस तरीके से हम कुछ योजनाबद्ध ढंग से चले जिससे कि पार्टी प्रेमा जगाती का प्रत्येक छात्र जो हो वो 90% की स्वीकृति में हो। हमें पता है कि इस विद्यालय में मैथ्स में थोड़ी कमी रहती है, कमजोरी रहती है, साइंस में रहती है, अंग्रेजी में रहती है। सभी आचार्यों की ओर से एक ही बात आई कि प्रधानाचार्य जी, एक फंडामेंटल आधारभूत सिलेबस बनाया जाए और उसको पढ़ाया जाए 1.5 महीने में, तदुपरांत हम पाठ्यक्रम शुरू करें। गणित का पाठ्यक्रम जनार्दन जी ने, अतुल जी ने, दीपक जी ने मिलकर बनाया, साइंस का संकेत सर, संजय सर ने बनाया, एसएसटी का घनश्याम सर, कौशल सर ने बनाया और साथ में जो भी अंग्रेजी का था वो निर्दोष सर, उमेश त्रिपाठी सर, गोपाल सर, इन लोगों ने मिलकर बनाया। तो कंपाइलेशन हुआ, बात आई कि भाई जीके छूट रहा है, जीके भी एक अनिवार्य चीज है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो निर्दोष सर ने कहा कि सर जीके का भी मैं प्लान करूंगा, चंद्रशेखर जी, प्रशांत सर, ये सब लोग लग करके क्या है और कुछ शिष्यमंडल के आचार्य बहने और वहां के प्रधानाचार्य जी मिल करके एक सामूहिक जो विंटर कैंप चल रहा था उस दौरान हम लोग बैठे और बैठ करके योजनाबद्ध ढंग करके हमने इस तरीके का फाउंडेशन सिलेबस ऑफ पीपीजे का निर्माण किया। बेटा ये चैलेंज है, इस फाउंडेशन सिलेबस को जिसने भी आत्मसात कर लिया और हमारे को यह विश्वास है कि हमारे देवतुल्य आचार्य की टीम जो है इसको आत्मसात करवाकर ही पाएगी। हिंदी पढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यक है, गणित पढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यक है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यक है, एसएसटी के लिए क्या है, जीके के लिए क्या है, यह सब चीजें जो है उसमें दी हुई। हम गणित में कमजोर क्यों होते हैं, क्योंकि हमें टेबल नहीं याद है, भिन्न के सवाल नहीं याद है, गुणा भाग में गड़बड़ी हो जाती है, परसेंटेज में गड़बड़ी हो जाती है। इन सबको दूर करने का काम यह फाउंडेशन सिलेबस को हमने रखा है। मेरा एक उद्देश्य, हमारे यहां 22 स्टेट के बच्चे, 3 कंट्री के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कहीं से भी पढ़ करके आए, लेकिन सबसे पहले इस फाउंडेशन कोर्स को खत्म करना पड़ेगा, इसमें 100 में 100 नंबर लाना पड़ेगा, तब हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे और आपको सफल बनाएंगे। कोई विद्यालय ऐसा चिंतन नहीं कर सकता, ये देवतुल्य आचार्यों की टीम ने बैठ करके ये बनाया है सिलेबस और इसको 1.5 महीने में हम पूरा कराएंगे। आपको सर्ग, उपसर्ग, वर्णमाला, अल्फाबेट, प्रीपोजिशन, टेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, एडवर्ब, हर चीज का ज्ञान जो है हम इस सिलेबस के माध्यम से देना चाह रहे हैं। आज इस दिन वंदना के दिन मैं आपसे आग्रह
बेटा इसको आत्मसात करना। कल मैं बैठा हुआ था मातृ छाया के पीछे, कितना अच्छा लग रहा था कि सब बच्चे आ रहे थे, इतनी तारीफ कर रहे थे, सर बहुत अच्छा लग रहा है, हमको ये बात तो पता ही नहीं थी और पता थी तो हम भूल चुके थे, लेकिन उसको रिवाइव किया जा रहा है। हमें खुशी हुई, मात्रा का ज्ञान आना चाहिए बेटा। जब यहां से निकल करके बाहर जाओगे तो समाज में जाने के बाद यही पता चलेगा कि ये भारतीय बीमा जगत का छात्र है। इसी श्रृंखला में कितने माता पिता के सपने बैठे हुए हैं जो आईएएस पीसीएस सीए डॉक्टर इंजीनियर बिजनेसमैन पॉलिटिशियन और समाज के पथ प्रदर्शक बनेंगे। तो क्या गलत हम त्रुटि में लिखेंगे, गलत इंग्लिश लिखेंगे तो क्या होगा? दिस इज फ्रॉम पीपीए, ये चीज अच्छी नहीं होगी। इस गुरुकुल की एक मर्यादा है कि जब बच्चा यहां पर पढ़ के निकलेगा वो पूर्ण रूप से तज्ञ होगा। और यह विश्वास आज आपको दिलाना पड़ेगा कि प्रधानाचार्य जी इस पीपीजे के सिलेबस को मैं 100% करूंगा, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो। मैंने एक ही बात पेरेंट्स से भी बोली है, समिति भी बोली है, आचार्यों के साथ बोली है, 15 अप्रैल से एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले इतना मजा दूंगा, इतनी अच्छी नींव कर दूंगा कि हर बच्चा एनसीईआरटी को 2.5 महीने में समाप्त करेगा, ये मेरा विश्वास है। और ये आप करके दिखाएंगे। हर पेरेंट्स आता था, भाई साहब मेरी अंग्रेजी में समस्या है, गणित में समस्या है, इन समस्याओं का निवारण ये फाउंडेशन कोर्स है। दिल से कह रहा हूं, यहां पे देवतुल्य आचार्यों की टीम के बच्चे भी अध्ययनरत हैं, उनको भी ये आत्मसात होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी ये ज्ञान है कि नहीं है, उनको भी कटिबद्ध करना चाहिए कि ये सिलेबस आना चाहिए। ये पार्टी के माध्यम की एजुकेशनल टीम ने बनाया है, हमसे पढ़ करके बैठ करके इसको मानदंडों के अनुसार प्रत्यय बनाया है। तो हमारी यही केवल अवधारणा है कि आप सब इस फाउंडेशन कोर्स करके 100 में 100 60 टेस्ट पेपर भी बना करके मैंने रखा है इंटर कैंप में, 60 टेस्ट पेपर मेरे द्वारा, चंद्रशेखर जी, प्रशांत जी, शिशु मंदिर की टीम, अपने जनार्दन जी, अपने विकास जी और संकेत सर सबने मिलकर बैठे बनाया, सोचा समझा कि हाँ एक टेस्ट होगा एबीसीडी का टेस्ट होगा, एक चावल मात्राओं का टेस्ट होगा, एक सर्ग उपसर्ग का टेस्ट होगा, एक प्रायवाची का टेस्ट हो जाएगा, एक विलोम का हो जाएगा, एक अंडमान सिनोनिम का हो जाएगा, एक वर्ब एंड नाउन का होगा, एक प्रीपोजिशन का होगा, एक टेंस चार्ट का होगा, एक गणित का होगा, गणित में मल्टीप्लीकेशन का होगा, फ्रैक्शन का होगा, साथ में क्या है डिवाइडेशन, साथ में एक चीज और देखेंगे डिस्कूलों के जो सवाल होते हैं, प्रश्न के सवाल होते हैं जो जनरली गलत हो जाते हैं, उस पर भी फोकस किया गया है कि हर तरीके से उस टेस्ट में आपको 100 में 100 अंक प्राप्त कर रहे हैं। यह सोच करके, यह ध्यान रखकर के हमने ये सोचा है, चिंतन किया है, मनन किया है कि आपको हम कमजोर नहीं छोड़ेंगे। माता पिता ने सपने देखे कि पीपीजे के अंदर पढ़ा करके हम बच्चे को एक अच्छा आवाम देंगे, एक अच्छी दिशा देंगे, एक मार्ग प्रशस्त करने लायक एक समाज का एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। यह अवधारणा लेकर के मैं हर बच्चे की चिंता कर रहा हूं और इस दृष्टिकोण से कि बच्चा शैक्षिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, हर तरीके का विकास होकर के सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़े, ऐसा चिंतन मनन अपने देवतुल्य आचार्यों की टीम के साथ किए हैं। तो आप सब इसमें सहभागी होंगे, बहुत धीरे आवाज आई, होंगे पूरी तरीके से मम्मी पापा के सपनों को साकार करेंगे, बहुत अच्छा। और यह कोशिश रहे कि बेटा हम पीपीजे में पढ़ रहे हैं, हम अच्छे बने, ऐसा प्रतिशत होकर क्या दे लाएंगे। मैं आज इस 10th क्लास को चैलेंज करता हूं कि हर बच्चा 90+ वाला होना चाहिए, तब तो डॉक्टर सूर्य प्रकाश की पढ़ाई सफल है, उनकी योजना, उनकी प्लानिंग, उनकी आचार्यों की टीम सफल है। 90+ यह सब होगा जब ये फाउंडेशन कोर्स को आप साथ कर लोगे, दिल से पक्का हो गया ये चैलेंज है, ये मेरा पूरा विश्वास है। जो बच्चा इसको अंडरस्टैंड किया, बाईपास किया, वो जिंदगी में कभी भी शैक्षिक रूप से विकसित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये काम है। इस सिलेबस को राष्ट्रीय मंत्री माननीय यतीन्द्र जी
डोमेश्वर साहू जी, भुवन जी, साथ में जितने भी अपने मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक हैं, सबने देखा है, अब सबने सराहा है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हम छात्रों की, आचार्यों की, कि हम इस फाउंडेशन कोर्स पर खड़े उतरे और 100 में 100 नंबर लेकर के हम आए, जिससे कि 15 अप्रैल से फिर हमारी पढ़ाई शुरू हो। तो इसी विश्वास के साथ आज के दिन मैं शुभकामना देता हूँ, और ये आपको बताने के लिए, क्योंकि अभी मैंने कॉपी चेक की थी, 228 कॉपी मैंने चेक की थी आपकी, जो फाउंडेशन कोर्स की थी। बहुत अच्छे घसीटा मार रहे हैं, नहीं, सुंदर घटना के में लिखना है, कॉमा पुनस्पाद का भी ध्यान रखना है, पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना है, कहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है, और सबको टेबल एकदम टिप होनी चाहिए, हिंदी में गिनती, इंग्लिश में गिनती टिप होनी चाहिए। आपका टीएलएम का एक सेक्शन बनाया हो सीढ़ियों पर, आपको करेंसी, लिटरेसी रेट, कैपिटल सब नोट करवा दिया हूँ, रोज चढ़िए, रोज याद कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके माता पिता को भी अच्छा लगेगा। हर माँ, हर माता पिता ये कह रहा है कि सूर्यकांत जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको अच्छा नहीं मानता जब तक कि आपका विकास न हो जाए, आप 90+ में ना हो जाए। मेरी भावना सोचना बच्चों, कि मैं क्या सोच रहा हूं, आपको विकसित करने के लिए सोच रहा हूं, आपके भले की बात सोच रहा हूं, आप 90% रहेंगे, आपका जीवन उज्जवल होगा, हमें तो केवल एक ही खुशी होगी कि हमने आपके माता पिता के सपनों को साकार करने में एक केवल निमित्त मात्र रहा, हमारी टीम जो थी आचार्यों की वो निमित्त मात्र थी, विकास आपका होगा, आपका भविष्य उज्जवल बनेगा, इन बातों का ध्यान रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, इस फाउंडेशन कोर्स को बहुत अच्छा करें, पढ़े करें। थैंक यू।